दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। अमृतसर के मजीठा रोड इलाके के बसंत नगर स्थित एक घर में बैटरी से निकली चिंगारी की वजह से आग लग गई। देखते ही देखते इस आग ने और भी विलक्षण रूप धारण कर लिया और आसपास के घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि गनीमत थी कि इस दौरान घर में कोई भी शख्स मौजूद नहीं था, जिस वजह से कोई भी जानी नुकसान होने से बच गया। वहीं आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंच गए। इस दौरान दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। इस आग की वजह से घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। दमकल कर्मियों के अनुसार आग लगने का कारण बैटरी में हुए शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। शॉर्ट सर्किट होया जी, बत्ती जो गई है उस तो पहले लगी अग तो इन्होंने देखा जी कोठे बैठी समान समून तो अपना झाड़ू झूड़ देन डे। इन्हें थले आई तो देखा बत्ती भी है नहीं, अंदरों धुआं ही धुआं निकली जाए। ਸਾਨੂੰ ਕੋ 5-6 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਕਿ ਬਸੰਤ ਨਗਰ ਯਮੁਨਾ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਰੈਜੀਡੈਂਸ, ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਇਹ ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟਿੰਗ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਵਾਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਫੇਰ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ। ਮੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਟੋਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਝੁਲਕਦੀ ਧੁਲਕਦੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ ਜੱਗ। ਜੋ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਜੋ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਕੱਪੜੇ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਸੜੀਆਂ ਨੇ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ।